रेडी, ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। चलो, आवाज की कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. Created from a solution by a semi-permeable membrane, the solvent molecules enter the solution and dilute it. Similarly, if you take two solutions of different concentrations separated by a semi-permeable membrane, then the solvent molecules flow from the solution with low concentration of solute to that with a higher concentration. Remember, a low concentration solution has a higher number of solvent molecules. This spontaneous movement of solvent molecules from a pure solvent to a solution or from a solution of low concentration. हाँ हर्ष त्रिपाठी बेटा, क्वेश्चन कुछ पूछना है क्या? हैंड रेज कियो। हर्ष, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, कुछ पूछना है? नहीं सर। कल क्लास अटेंड किए थे? नहीं सर। समझ में आ जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, समराइज सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। अरे ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आगे मॉर्निंग सर। ठीक है ठीक है, रखो बेटा। सर स्टार्टिंग कीजिए इसको। चलो अच्छा, पिंक की वीडियो फिर से स्टार्ट कर देते हैं तुम्हारे लिए। ऑस्मोटिक, तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जान लिया, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? When a solvent is separated from a solution by a semi-permeable membrane, the solvent molecules enter the solution and dilute it. Similarly, if you take two solutions of different concentrations separated by a semi-permeable membrane, then the solvent molecules flow from the solution with low concentration of solute to that with a देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन से ये जो इधर वाटर है प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, केवल ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से मूव कर रहा है इधर से इधर। सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो इधर ग्रीन कलर के हैं वो इधर से इधर मूव नहीं कर सकते, इसलिए इस मेम्ब्रेन की ये क्या है, खास बात है, ठीक है। और जब इधर से इधर मूव करेगा तो इधर का लेवल क्या होगा, इधर का लेवल इंक्रीज होगा। और यदि हम इधर के लेवल को इंक्रीज ना होने दे, यहाँ पे हम पिस्टन लगा दे, प्रेशर एग्जर्ट कर दे कि यहीं नहीं, यहाँ का जो भी वाटर लेवल उतना ही रहे, तो जो प्रेशर लगेगा उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? भी आगे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को जल्दी। हायर कॉन्सेंट्रेशन, रिमेंबर अ लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हैज अ हायर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। This spontaneous movement of solvent molecules from a pure solvent to a solution or from a solution of low concentration to a solution of higher concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. देखो, ये osmosis का definition है, very important है। दो case बताया इसमें कि movement of solvent molecules from pure solvent to a solution। यहाँ पे देख लो, pure solvent to solution है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्योर सॉल्वेंट ही दूसरी तरफ हो। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, आप फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। मान लो ये लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन होगा या हायर होगा। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, वहां सॉल्यूट की मॉलिक्यूल्स कम है सॉल्वेंट के ज्यादा, जहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वो उधर मूव करेंगे जहां सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली कम है, ताकि ये चाहता क्या है कि बैलेंस हो जाए कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड का। क्लियर? इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये डिफिनेशन है, आप लोग इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। Owing to osmosis, the liquid level in the solution side keeps rising until the excess pressure produced is enough to stop the flow of the solvents. This excess pressure is called osmotic pressure. Osmotic pressure is proportional to the molarity C of the solution at a given temperature. The molar mass of a solute, M2, dissolved in a volume of solution in liters can be determined from the mathematical expression of osmotic pressure. If ये फार्मूला एक बार समझ लेते हैं, ठीक है?
देखो ये पाई क्या है, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी क्या है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि दूसरे साइड जो सॉल्यूशन है कितने कॉन्सेंट्रेशन का, कितने मोलर का है, ठीक है। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोलरिटी किस पे डिपेंड करती है, N2 पे। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लिटर, तब यहां देख रहे हो पाई इज इक्वल टू सी टी नॉट लिखा हुआ है, एक्चुअल में टी ही है, ठीक है। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर तो मतलब फिक्स रहेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के। ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए टी से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, एक्चुअल में टेम्परेचर ही है। सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी के जगह पे एन टू बाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी क्या है मेरा मोलरिटी है, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू टू बाई एम टू लिख सकते हैं, तो मैंने कर दिया एन टू की जगह पे क्या कर दिया डब्ल्यू टू बाई एम टू कर दिया। और यहाँ पे एक टर्म भूल रहा है, यहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि भी यहाँ कहाँ से चला जाएगा सर, पाई के पास है ना। अच्छा हाँ हाँ, पाई के साइड आ जाएगा, पाई के पास चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको हटा दे, पाई के पास यदि भेज दिया है तो अच्छी बात है, फिर तब यहाँ भी की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दिया, ठीक है। ये पाई भी इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू टू बाई एम टू बाई टी। एक्चुअली जो भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल एग्जाम में, वहां पे हमसे पूछता है कि कौन सा सॉल्यूट, जो सॉल्यूट एड हुआ उसका मोलर मास क्या है, उसका मॉलिक एटॉमिक क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट नहीं मॉलिकुलर वेट कितना है, ये एम टू है, मॉलिकुलर वेट ही क्या अपने अपने मोलर मास है। ये फॉर्मूला कर दिया एम टू इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई टी बाई, यहाँ पे पाई कहाँ चला गया, पाई भी होगा यहाँ पे, यहाँ से पाई अपन भी होगा सर, पाई भी, हाँ यहाँ पाई होगा। ये टाटा क्लास वाले भी गलत है बनाते हैं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, इतना काफी है, यहाँ भी पाई रहेगा, ठीक है। एम टू इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई टी, W2 मल्टीप्लाई T बाई पाई भी, इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए का फार्मूला। ये फार्मूला समझ में आ गया, चार तरह के कॉलिगेटिव का पता चाहिए, चार तरह के फॉर्मूले पता होने चाहिए, डिफिनेशन पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। अभी कम ज्यादा क्या होता है अभी बताएगा, पहले तो बेसिक फार्मूला हो गया। Dissolved in a volume of solution in liters can be determined from the mathematical expression of osmotic pressure. If two solutions have the same osmotic pressure, then they are isotonic solutions. Isotonic solution का बहुत बड़ा importance है। जैसे कि हम blood में कोई injection लगाते हैं venoms में, जो हमारे artery और veins होते हैं, उसमें जो भी medicines होते हैं, उसमें जो भी liquid form में solution होता है, उसका concentration हमारे blood के plasma के concentration के बराबर रहता है। Isotonic होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आइसोटोनिक नहीं होगा तो ब्लड डैमेज हो जाएगा समथिंग, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि अभी आप लोग आगे एक्सपेरिमेंट करोगे, जो भी बायोलॉजिकल फील्ड में एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पे आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना बहुत जरूरी होता है। सेल इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन विल नॉट अंडरगो ऑस्मोसिस। इफ अ सोल्यूशन हैज लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सराउंडिंग मीडियम, then it is a hypotonic solution. A cell in such a solution will swell. If hypotonic solution में क्या होगा, जो cell है blood cell वो फूल जाएगा, surrounding से water को क्या करेगा, absorb कर लेगा, clear? क्योंकि आपने less concentration का डाला है, जो आप injection लगा रहे हो patients के body में, उसमें जो आपका solution है उसका concentration क्या है, वेरी लेस है। तो लेस होगा तो क्या करेगा, अब उसमें जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से क्या ब्लड के सेल्स के आरबीसी के अंदर जाएंगे, ताकि वो चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर सके, वह ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। और यदि सोल्यूशन हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, सराउंडिंग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ब्लड सेल से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सराउंडिंग में चले जाएंगे, वह ब्लड सेल्स क्या होगा, इससे आरबीसी क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से। If a solution has a higher osmotic pressure than the surrounding medium, then it is a hypertonic solution. A cell in such a solution will shrink. Reverse osmosis cannot be performed if pressure greater than the osmotic pressure is applied on the cell. Reverse osmosis is a very interesting technology.
ऑस्मोसिस तो आप लोग जान ही रहे हो, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो आप लोग जो बोलते हो बार बार आरओ, तो हमारे घर आरओ लगा है, जो फिल्टर्ड वाटर पीते हैं काफी लोग, तो आरओ का कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। उसमें एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो रिवर्स ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जिस उससे क्या होगा, जो वाटर में घुली हुई जो भी इम्प्योरिटी होगी वो फिल्टर हो जाएगा, केवल H2O मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा। यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस तभी काम करेगा जो हम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे पिस्टन पे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर या इम्प्योर वाटर समझ लो एक चैम्बर में है और इधर मेम्ब्रेन लगा के दूसरे चैम्बर में फ्रेश वाटर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यदि हम रिवर्स ऑस्मोसिस करा रहे हैं, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा, मतलब क्या होगा भाई, अब जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उधर से कम क्यों मूव कर रहा है, मतलब इधर सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्यूट वाली कुछ ज्यादा है, सॉल्यूट वाली कुछ तो है ही नहीं, फिर भी इधर मूव कर रहा है क्योंकि हम एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। और इससे जो मूवमेंट होगा तो सेमी परमेबल मेंब्रेन किसको परमिशन देगा, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को परमिशन देगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को परमिशन देगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सॉल्टी वाटर से इधर सेपरेट हो जाएंगे और इधर ये जो वाटर होगा ये क्या ड्रिंकेबल वाटर हो जाएगा और इस वाटर को हम कलेक्ट करेंगे। दिस इज द प्यूरिफिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से हम समुद्र के पानी को भी फिल्टर कर सकते हैं। Pollution side, it is utilized for desalination of sea water. Desalination of sea water, इसका मतलब क्या हुआ? Salinity क्या होती है? जो समुद्र के पानी में salt dissolve है, नमक हम लोग कहाँ बनाते हैं? समुद्र के किनारे से बनाते हैं। महात्मा गांधी का आंदोलन था नमक तोड़ो आंदोलन। The properties which depend on the number of solute particles are colligative properties of solutions. There are four types of colligative properties. Relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure. All these properties are independent of the nature of solute particles. They are utilized for calculating the molar mass of a solute. देखो ये अब तक हम लोग डिस्कस कर दिए, colligative properties होता क्या है, उसका definition यहाँ साइड में लिखा हुआ है। The properties which depends on the number of solute particles are colligative properties of the solution. जो number of solute particle पे depend करे, प्रॉपर्टी पे इतना डिपेंड करे कि सॉल्यूट पैकेट का नेचर क्या है, वो सॉल्ट है कि सुगर है कि क्या है, दैट डजंट मैटर। सेकंड, ऑल दिस प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट, देखो वही बात लिखा हुआ है, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हम अब तक जितने फॉर्मूले देखे हैं हर जगह हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला ड्राइव करके क्या निकाल रहे हैं, M2 को निकाल रहे हैं जो कि क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। चार प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यदि सॉल्वेंट को हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उस लेवल पे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, यदि हम वाटर में कुछ ऐड कर देंगे, चीनी बना देंगे या नमक पानी हो जाएगा, उसको बॉयल होने में क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, इसलिए कहा जाता है सड़कों पर जब बर्फ जम जाती है तो वहां पर लोग नमक छिड़काव करते हैं ताकि वो बर्फ जल्दी जल्दी मेल्ट कर जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, उसका क्या, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू और नेगेटिव हो जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आप लोगों ने देख लिया, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स को परमिशन देता है कि उसको आग से पार जा सके, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को कोई परमिशन नहीं देता है, ठीक है। अब एक और वीडियो है, उसके बाद हम लोग स्लाइड्स के बारे में, स्लाइड के माध्यम से रिवाइज करेंगे, जो वीडियो में देखे हैं जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप लोग एक और देख लो। मोलर मास, मोलर मास इज सिंपली द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस एंड वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंटेन 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23 एंटिटीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ये अगला तो नंबर है। मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स पर मोल। We can calculate molar mass by adding up the atomic masses of the atoms that make up the molecule. Solid के molecules move नहीं कर सकते, लेकिन आपस में अपने position पे क्या करते हैं, oscillate कर सकते हैं, vibrate कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे carbon molecules को क्या कर रहा है, vibrate करता हुआ आप लोगों को दिखा रहा है।
Let's consider carbon. Its atomic mass as found in the periodic table is 12.01. The atomic mass of an element will be equal to the molar mass in grams. This means the molar mass of carbon is 12.01 grams per mole. Now let's look at something just slightly more complex. A water molecule. Water contains two hydrogen atoms and one oxygen atom. The atomic mass of hydrogen is 1.00. So the mass of two hydrogen atoms will be 2 multiplied by 1.00, which is 2.00. The atomic mass of oxygen is 16. सर वीडियो हाफ ही दिख रहा है वीडियो हाफ दिख रहा है वीडियो हाफ दिख रहा है मतलब यस सर नहीं दिख रहा है क्या अच्छे से नहीं पूरा नहीं दिख रहा है वो क्या हमारे इमेज से ढक जा रहा है क्या नहीं सर शायद जूम कर दिए हैं आप नहीं पूरा तो दिख रहा है ना दिख रहा है ना कुछ सेटअप फिर से करने की जरूरत है क्या चलो ठीक है तुम अप्लाई कर आ गया सर ठीक 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 वहां भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा चलो द मोलर मास ऑफ आवर वाटर मॉलिक्यूल 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18 Let's consider an even more complicated compound, calcium nitrate, CaNO3 twice. Breaking down the formula, we know that calcium nitrate is composed of one atom of calcium, two atoms of nitrogen, and six atoms of oxygen. The atomic mass of calcium is 40, that of nitrogen is 14, and that of oxygen is 16. According to the chemical formula, there is one atom of calcium, two atoms of nitrogen, and six atoms of oxygen. So the sum of all the atoms in the molecule, 1 multiplied by 40 plus 2 multiplied by 14 plus 6 multiplied by 16 will work out to 164 grams per mole of calcium nitrate, which is its molar mass. Summary. Molar mass is the weight of one mole of any chemical compound. One mole of any substance will contain 6.023 multiplied by 10 to the power 23 entities of that substance. The atomic mass of an element will be equal to the molar mass in grams. The molar mass of a chemical compound is equal to the sums of the molar masses of all the atoms in one molecule of that compound. ठीक है। तो पीपीटी से एक बार फिर से आप लोगों को बता दे कि सीधे क्यूज कराए क्वेश्चन करा दे चलो पीपीटी भी देख लो इसमें शायद कुछ एक्स्ट्रा बात मिल जाए आप लोगों को इसमें वही है जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में देख लिया था क्या है द पॉलीगोटिक प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशंस देखेंगे इसमें चार प्रॉपर्टीज है मेनली रिलेटिव लोडिंग ऑफ पेपर प्रेशर नाम से जाहिर है कि पेपर प्रेशर कम हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस को रिवर्स ऑस्मोसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कोलिगोटिव प्रॉपर्टीज क्या है बार बार डिफिनेशन वही चीज है कोलिगोटिव प्रॉपर्टीज आर दोज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन बोलो या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बोलो बात एक ही है यहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है ये देखो कॉन्सेंट्रेशन बोल लो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किस बात पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है ठीक है ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट These properties include relative lowering of vapor pressure, evolution of boiling point, depression of freezing point, osmotic pressure. Colligative properties help in determining the identity of purity of solution. चलो कहीं जगह ये भी चीज है कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स अच्छा यहाँ पे क्लियर क्लियर ऑल ड्राइंग्स
फर्स्ट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं है? नॉन वोलेटाइल, यस सर। हाँ, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर फेज में कन्वर्ट ही ना, सॉल्यूट। हाँ, जैसे कि चीनी और पानी का एग्जाम्पल मैंने बार बार समझाया था कि चीनी और पानी के सोल्यूशन को आप गर्म करोगे तो चीनी वेपर के साथ ऊपर नहीं जाएगा, वो बर्तन में ही रह जाएगा। क्लियर, टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया। तो पी नॉट माइनस पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट क्या था आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स। और पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो पी नॉट देख रहे हैं, ज्यादा है पी कम है, तो वेपर प्रेशर ऑफ कॉस्टली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव कब होगा, जब इसे कंपेयर करेंगे इससे पहले वाले से, इसलिए पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, ये क्या होगा, ये होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले पी नॉट माइनस पी क्या थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, और पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ का आप लोग डिफिनेशन पढ़े हो, जो आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफरेंस करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये उनका स्टेटमेंट ही है एग्जैक्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट है, और मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा, एन टू बाई एन वन प्लस एन टू। एन टू क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, एन वन क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है, एन टू क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कह रहा है फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन बहुत डायल्यूट हो, मतलब क्या, एन टू बहुत कम हो और एन वन बहुत ज्यादा हो। जब एन टू कम होगा तो आपको इसलिए एन वन ज्यादा ही होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, एन वन प्लस एन टू को निग्लेजिबल मान सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी 100 है और कोई 0.1 है, तो 100 प्लस 0.1, तो इसको हम अप्रोक्स 100 ही तो लिख सकते हैं। इस तरह का कंपेयर कर रहा है, काफी निग्लेजिबल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एन वन प्लस एन टू की जगह पर केवल एन वन लिख सकते हैं। वही बात किया है, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन। अभी चीजें थोड़ी आसान हुए, अब एन टू बाई एन वन की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एन टू की वैल्यू रखो क्या होगा, डब्ल्यू टू बाई एम टू, एन वन की जगह पर रखोगे एम वन बाई डब्ल्यू वन। अभी उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू बाई एम टू मल्टीप्लाई एम वन इंटू एम वन बाई डब्ल्यू वन। ये हो गया फार्मूला, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू बाई एम टू मल्टीप्लाई एम वन बाई डब्ल्यू वन। और आपको एम टू निकालना है अबव इक्वेशन से, तो आपको सारी वैल्यू पता रहेगी और यहाँ से आप एम टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब सेकेंड आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ मैंने वहां पे वीडियो लेक्चर में भी समझाया था, ये क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर था और सॉल्यूशन में क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटेड हो गया है, जो कि सॉल्वेंट वाली को इसको पकड़ रहा है, ट्रैप कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसको वेपर फेज में नहीं जाने दे रहा। वेपर फेज में नहीं जाने देगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए करेंगे क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। यही टेम्परेचर हमको ज्यादा देना पड़ा, कितना ज्यादा देना पड़ा, डेल्टा टीबी देना पड़ा। इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर आप पहुंच गए। मैंने बताया कि जब वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर पूरा पहुंच जाए तो वो उसका बॉइलिंग होने बॉयल होने लगता है। एक्चुअली सॉल्यूशन हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर गया। इसको रीडिंग कर लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। मैंने कल समझाया था, जो आज आया और कल नहीं आया हो उसके लिए बहुत ध्यान से हूँ, आज जो समझा रहे स्लाइड से ध्यान समझे। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या करा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, सिंपल सी बात है भाई, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपर कंडीशन में जाएगा, एनर्जी ज्यादा पाएगा तो ज्यादा जाएगा, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जितना टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ा उस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए, उस वेपर प्रेशर को अचीव करने के लिए, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हमारा क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट। तो टीबी ज्यादा है, टी नॉट कम है, ये टेम्परेचर बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ ग्राफ है। अब हम लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट क्या है भाई,
तो डेल्टा टी बी नॉट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना है मोलेलिटी है, इसी बारे में मैंने बताया था, ये मोलेलिटी है मोलेलिटी नहीं है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पे केजी होगा, ध्यान देना यहाँ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, वो है केबी, ठीक है। और वो क्या है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन एंड इट इज रिलेटेड टू द मोलेलिटी। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया आपका, बेसिक फॉर्मूला आपको यही दिमाग में रखना है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम। अब यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे एम की वैल्यू रखेगा डिटेल्स में और इससे एम टू का फॉर्मूला बनाएगा, एम टू मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। हाँ हाँ ठीक है, तो द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मोलर मास M2 डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एज। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे M की वैल्यू रखोगे, M की वैल्यू क्या रखोगे, M की वैल्यू क्या रखोगे आप, सिंपल सी बात क्या है, W2 बाई M2 मल्टीप्लाई 1000 बाई W1। 1000 बाई W1 क्यों किया भाई, क्योंकि आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, रुको जाओ, देखो M बराबर क्या होगा, M बराबर होगा जो मोलल है N2, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ, ऐसे लिखना बड़ा मुश्किल है, क्लियर ऑल ड्राइंग, ऐसे फिर से समझो, M M के जगह क्या रखोगे आप, N रखोगे, N क्या होगा मोल किसका सॉल्यूट का, उसकी वैल्यू के जगह पे क्या रखोगे W2 बाई M2 रखोगे, क्लियर है। अब जो मास सॉल्वेंट का वो W1 है, ग्राम में दिया है, इसको केजी बदल के 1000 से भाग दोगे, लेकिन वो भाग इसके बट्टे में रहेगा तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी m की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई 1000 बाय W1। अब इस M2 को आप डेल्टा टी वी की जगह पर रख दो, डेल्टा टी वी की जगह को M2 की जगह पर रख दो, ओवरऑल का सोल्यूशन जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई W2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी वी मल्टीप्लाई W1। ये ओवरऑल फॉर्मूला होगा जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सबस्टेंस इज द टेंपरेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज ऑफ द सबस्टेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। मैंने इस बात पे बार बार डिस्कस किया कि जहां पे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब सॉलिड क्या वेपर प्रेशर कन्वर्ट हो सकता है, यही बात मैं बार बार बोलता हूँ, सॉलिड वेपर प्रेशर नहीं कन्वर्ट होगा, सॉलिड में ही रहेगा और लिक्विड जा सकता है। जब लिक्विड का वेपर में जाना बंद हो जाए, जब लिक्विड वेपर में जाए ही ना तो क्या होगा, बाद में फ्रीजी ना होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट से कम हो रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इस बात का ध्यान देना। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी एफ। ये नॉट वर्ड, जीरो वर्ड का क्या रिप्रेजेंट है कि प्योर फॉर्म है, सॉल्वेंट है ये, और ये सॉल्यूशन के फेज में, तो देख रहे हो कि सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है, सॉल्यूशन का फेज कम लग रहा है, इसमें फ्रीज होने में, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा। अब ये फार्मूला वही रखो, फार्मूला क्या बताया था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ मल्टीप्लाई एम, Kf मल्टीप्लाई एम, के एफ यही है, m मतलब क्या, छोटा वाला m मोलल, उसकी वैल्यू क्या है, W2 by by M2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई W1, वही चीज है। अब यहाँ भी M2 को यहाँ रख दो, WTF यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, M2 is equal to Kf मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई डेल्टा Tf मल्टीप्लाई W1। ये फार्मूला और वो फार्मूला लगभग सिमिलर मैचिंग है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे अभी अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा है भाई, ये सेमी परिवहन मेम्ब्रेन है, ये ब्लू वाला बड़ा सर्किट शुगर है और रेड वाला सर्किट वाटर है। अब देख सकते हो यहाँ पे प्योर वाटर है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन तो भाई शुगर सोल्यूशन का तो हाई नेग्लिजिबल है, यहाँ पे हायर है। सेमी परिवहन मेम्ब्रेन से किसको पोल्यूशन मिलता है, केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलता है, दैट मीन्स सॉल्वेंट को मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ की ओर मूव करेगा। अगर पढ़ लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परिवहन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। The excess pressure which should be applied to the solution to prevent the solvent from flowing into
इट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यही पर हम प्रेशर लगा दें और ये न जाने दे इस प्रोसेस को रोक दे तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। टू सोल्यूशन हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अभी आज ही देखा है ए सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सराउंडिंग इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ए सोल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सराउंडिंग इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशंस। अब हम लोग देखें डिमोन्स्ट्रेशन। भाई इस डिमोन्स्ट्रेशन में थोड़ी सी एरर है, वो क्या एरर है मैं बताऊंगा। यहाँ पे सही है, सोल्यूशन है आपका, मतलब इम्प्योरिटी है वाटर में। अब यहाँ पे हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना हो जाएगा। फिलहाल एक्टिविटी पढ़ते हैं। ए वेसल इज जॉइंट टू टू पार्ट बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में शो कर रहा है द टू पार्ट आर फिटेड विद पिस्टन। दोनों तरफ पिस्टन लगा है, ठीक है। द पिस्टन ऑन द सोल्यूशन साइड्स मूव्स अप बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस। अब सोल्यूशन साइड में क्या होगा, ये पानी ऊपर उठेगा क्योंकि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इधर से इधर मूव करेगा। द प्रेशर इज अप्लाइड टू द प्रेशर If the pressure is applied to the surface of the solution, the movement of piston can be stopped. अब इससे क्या होगा? ये piston ऊपर करेगा, यदि pressure apply करेंगे तो piston को move करने से हम क्या करेंगे? रोक देंगे। और उसी को क्या बोलेंगे? Excess pressure जो हमको applied करना पड़ रहा है इस movement को रोकने के लिए, water को level को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए, वही हमारा क्या है, अपने osmotic pressure है। Formula वही है, pi बराबर nRT by V। अच्छा ये पाई क्या है, ये आइडियल गैस सिचुएशन आपको मैंने बताया था पी बराबर एनआरटी। सोचो ये पी है, पाई नहीं है, पी है। तो पी बराबर एनआरटी आइडियल गैस सिचुएशन समझ में आ रहा है, तो पी के जगह पर पाई रख दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर एनआरटी बाई भी लिख दिया। इस इक्वेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन सॉल्यूशन, वन हाफ क्या अभी ये लास्ट में पता चलेगा आप लोग को आगे। वेयर पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर पे। By substituting the value of n, small n, मतलब mole, in the above equation, m के जगह क्या रखो, w by capital M रख दिया भाई, pi भी w by capital M, rt, r क्या universal gas constant है, तब यहाँ पे m की value, m क्या भैया, molar mass of solute है, m is equal to w rt by pi भी, ये आपका formula हो गया। उस equation में क्या था भाई, r नहीं था वहाँ पे, reverse को तो यहाँ पे t था, चलो कोई बात नहीं, r भी लोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लोगे तो proportional constant है, hence The molar mass of solute can be calculated from the above expression. Clear हो गया? अब reverse osmosis phenomena वही है भाई, जब आप pressure ज़्यादा apply कर दोगे osmotic pressure से, तो जो अब देखो यहाँ पे गलती है, इस point में बात कर रहा था, यहाँ पे जो pure water लिख दिया है ना, यहाँ पे इसको pure water नहीं लिखना था, pressure तो यहाँ apply कर रहा है, यहाँ पे ये sea water होगा और pure water यहाँ पे इसको दिखाना था। साल्ट वाटर होगा ना सर वहाँ पे? हाँ, जहाँ ये प्योर वाटर लिखा है, सी वाटर लिख लो, साल्ट वाटर लिख दो या इम्प्योर वाटर ही लिख दो। जो आरओ मशीन होता है उसमें एक ऐसा मेम्ब्रेन बना रहता है चैम्बर आरओ का। कोई क्वेश्चन पूछना है क्या किसी को? ये मैं कह रहा था यहाँ पे सी वाटर होगा, यहाँ पे प्योर वाटर होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने समझा चुका हूँ, इसको समझने की कोई खास अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमारे हिसाब से। देख लो वही चीज है सब कुछ, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स, द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सेम सॉल्यूट वेयर द टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है ऑस्मोसिस में। मूवमेंट क्या कहाँ हो रहा है, डायल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट फ्रॉम अ डायल्यूट सॉल्यूशन इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब डायल्यूट से कंसंट्रेटेड जा रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। चले जी हम लोग पढ़ते हैं कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, जैसे कि डिफ्यूजन, लेकिन ऑस्मोसिस उल्टा है। इफ द प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इन द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट For the semi-permeable membrane, this process is called reverse osmosis. Reverse osmosis हम purification cases में use करते हैं। ये एक आप लोगों के लिए क्या है, property discussion. Find out how plants absorb water from soil. Explain the process with the relevant diagram. ये थोड़ा biology question है, वो actual में जो उसका concept होता है दो तरह का होता है। एक osmosis वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ भी root में क्या होता है, membrane होता है। अब मेम्ब्रेन होता है, अब अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है,
सॉल्यूट का ज्यादा होता है, वाटर में सॉल्वेंट ही होता है, तो वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। मतलब रूट का ऑब्जर्वेशन में भी ऑस्मोसिस प्रोसेस ही कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, लास्ट वन मिनट है, अब हम कर क्या सकते हैं, कुछ डिस्कस कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे, एक दो कर लेते हैं जो कर सकते हैं। व्हाट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द ऑस्वर्ड वॉल्कर डायनेमिक मेथड। ये क्या भाई, ऑस्वर्ड डायनेमिक मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक में से कर सकते हैं शायद। इस मेथड के बारे में तो मैं भी नहीं सुना हूं, आप लोगों को आइडिया है इसके बारे में? अच्छा, इनका संबंध रिलेटिव लोडिंग ऑफ पेपर प्रेशर से है, ऑस्वर्ड वॉल्कर डायनेमिक मेथड। पता नहीं है आप लोग के सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन आप लोग उसका ध्यान रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज हीमोलाइसिस? हीमोलाइसिस मतलब देखो होता है बेटा कि जो आरबीसी है वो सिकुड़ जाए। इट इज द सिंकिंग ऑफ द सेल, करेक्ट, यही कुछ लग रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ऑन अ सेल। इट इज स्वेलिंग ऑफ द रैप्चर ऑफ, नहीं नहीं, सिंकिंग ऑफ द सेल ही लगाते हैं।